गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक लिया हूं, जिसका ये जो है एक्सरसाइज 2.1.1 है। इसका हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन के सारे ऑप्शन बता दिए, सेकेंड का फर्स्ट ऑप्शन बता दिया, ये सेकेंड का सेकेंड ऑप्शन मैं आपको बताने चल रहा हूँ। हमारा मेन मोटिव है कि मैं इस बुक के प्रत्येक क्वेश्चन को आपको लगा के दिखाऊं, ताकि आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों, अगर इस वीडियो पे जो भी नया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। तो चलिए, इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा उसको देखते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसको लगा सकते हो, आपको कुछ करना नहीं है, इसके इक्वल आपको ये लाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो डेल है, डेल का मतलब यहाँ पर जान रहे हो आप लोग, इसको कई बार मैं बता ही चुका हूँ कि ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ठीक है। जो कैसे डिफाइंड है बोलिए, जो डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। किसको? फॉरवर्ड डिफरेंस, और किसको बताइए? ऑपरेटर को, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले जैसे यहाँ पर देखिए एन टाइम है इसको, ठीक है, एन टाइम यहाँ पर यूज करना है। तो पहले चलो वन टाइम इसका यूज करते हैं, डेल का। तो डेल का जब वन टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा। बोलिए क्लियर है, नहीं क्लियर है, ठीक है। आपका मैंने वन टाइम लिया, हमने इस पे पावर मैंने वन लिया, फिर इसी तरह हमने टू पे देखेंगे, फिर थ्री पे देखेंगे, फिर डॉट डॉट हम एन पे देखेंगे, तो देखेंगे क्या ये वैल्यू आती कि नहीं आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, डेल ये लिखा है, तो इसको इस फॉर्म में लिखा गया। तो उसी तरीके से हमारे इसमें भी तो डेल लगा है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है इसमें भी तो लगा है। तो चलिए उसी फॉर्म में इसको भी कन्वर्ट करते हैं। तो पहले क्या है, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, ए प्लस बी और एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, वन लिख दिया, बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। जैसे यहाँ पर देखिए क्या था, एक्स था, तो यहाँ प्लस एच हो गया इसी में। तो यहाँ पर एच क्या है, बोले बताइए, लेंथ ऑफ द इंटरवल है, ठीक है। तो यहाँ पर वन भी आपका किसका काम कर रहा है, लेंथ ऑफ द इंटरवल का काम ये भी कर रहा है। तो चलिए ठीक, यहाँ तक आपके बात समझ में आ गया फिर यहाँ पर माइनस लिखा है, तो माइनस हमने भी लिखा और इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा, तो मैं भी इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कॉस ए प्लस बी एक्स, ये बात आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, चलिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ये होता है। तो चलिए एक काम करते हैं, सी की जगह पर तो ये है, डी की जगह पर ये है, तो एक बार सी से डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माने सी प्लस डी अगर करेंगे तो कहने का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस बी, और इसमें इसको ऐड करना है, किसको, ए प्लस बी एक्स को, और अपान टू है ना, वही इसकी वैल्यू पहले निकाल रहा हूँ, ठीक है, सी प्लस डी बाई टू का। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, टू ए प्लस टू बी एक्स प्लस बी, सबके अपान में भी टू लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस बी एक्स प्लस बी बाई टू, ये आया। और अगर मैं यहीं से वैल्यू किसकी निकालूँ, डी माइनस सी बाई टू की निकालूँ, तो डी की जगह क्या है, ए प्लस बी एक्स माइनस सी, सी की मतलब क्या है, माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस बी, और इसके भी अपान क्या करना है, टू, तो भाई इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आएगा, माइनस बी बाई टू। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाएंगे, टू साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी की वैल्यू कितना है भाई, सी प्लस डी बाई टू की वैल्यू, भाई सी की जगह ये, डी की जगह ये, तो मैंने इसकी पहले वैल्यू निकाल ही ली थी पहले ही, तो आया है ए प्लस बी एक्स प्लस बी बाई टू, ठीक, इंटू साइन क्या है, डी माइनस सी, तो बाई टू की इसकी वैल्यू निकाला, तो मैं इसकी वैल्यू आई माइनस बी बाई टू, क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब चूंकि यहाँ माइनस लगा है तो इसको क्या करेंगे, ये माइनस आगे चला जाएगा, और इसी को लिख लेता हूँ साइन बी बाई टू, क्योंकि यहाँ पर आपको तो ये पता है ना इसमें कि जैसे साइन माइनस थीटा लिखा रहेगा तो माइनस आगे चला जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ये, तो उसी तरह मैंने यहाँ पर कर लिया, और बाकी ये लिखा है जैसे वैसे लिख दे रहा हूँ, इसमें कोई हम फेरबदल नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका ये आपका हो गया क्लियर। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर देखिए माइनस टू तो लिखा है, यहाँ पर साइन बी बाई टू भी लिखा है, अब यहाँ पर देखिए ये लिखा है, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, देखिए यहाँ पर तो कॉस में है, यहाँ पर साइन में, चलो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर लेकिन इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो आगे माइनस लग जाएगा, कैसे कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी एक्स, यहाँ पर बी बाई टू, यहाँ पर मैंने पाई बाई टू ऐड किया, जब पाई बाई टू ऐड करेंगे तो माइनस आगे लगेगा, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए टू साइन,
अब यहाँ पर b बाई टू कॉस, अब यहाँ पर क्या आ गया a प्लस बी एक्स, यहाँ पर ये इस ब्रेकेट की यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पर क्या है b प्लस पाई बाई टू। क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलिए ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इतनी तो वैल्यू निकली किसकी, इसकी। चलो अब हम निकालते हैं वैल्यू किसकी, नाउ अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू निकालते हैं। अभी तक वन ऑपरेटर पे था, अगर मैं इसी चीज़ को टू ऑपरेटर पे निकाल, मतलब यहाँ पर टू कर दें तो भाई यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर डेल के ऊपर वन था अभी तक, अगर डेल के ऊपर टू कर दें तब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बहुत आसान चीज़ है। तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, डेल, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, डेल कॉस ए प्लस बी एक्स, और ये आपका बंद, ठीक है, ये तो लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, चलिए सारी वैल्यू तो यहाँ पर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, और चूंकि देखिए जगह कम है इसलिए यहाँ पर हमको बहुत ही सावधानी के साथ लिखना होता है। देखिए डेल आपका यहाँ पर लगा है, डेल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतने की वैल्यू तो आपने यही तो निकाला है, तो चलिए यहाँ पर इसको रख देते हैं टू साइन, और यहाँ पर क्या लिखा है बताओ, बी बाई टू इंटू कॉस हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है, ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू, ये लिखा है, ठीक है। तो चलिए इसमें अब देखिए लगाते हैं, तो भाई ये तो आपका एज अ कॉन्स्टेंट से का समझो, यह तो बाहर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो आपका एक्स ही नहीं है इसमें, तो इसीलिए इसको बाहर कर दिया। तो ये देखिए कहाँ गया, अंदर गया, किसके साथ में, इसके साथ में, कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू के साथ गया, ठीक है। तो चलिए इसमें भी आप लगा देते हैं यही चीज़, तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा, टू साइन यहाँ पर आ गया, बी बाई टू हो गया, और इसमें जब लगाएंगे तो देखिए यही चीज़ क्या बन जाएगा, इसमें भी आपका लग जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लग जाएगा कि नहीं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में क्या लगेगा भाई, कॉस आप लिखते हो ए लिखते हो, ये तो लिखते हो, क्या लिखोगे, ए प्लस बी, और एक्स की जगह आप क्या लिखते हो, एक्स प्लस वन लिखते हो कि नहीं, और यहाँ पर क्या है, बी प्लस पाई बाई टू, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। माइनस इसी चीज़ को लिख देते हो, कोई इसमें चेंजिंग आप नहीं करते हो, ठीक है, यही तो आपका जो है क्या है बताइए, यही आपका जो है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ठीक। तो अब चलिए यहाँ तक तो ये बातें आपके माइंड में आ गया होगा, अब फिर से यही चीज़ देखने का है कि फिर से ये क्या, कास देखिए सी माइनस कास डी का फॉर्मूला फिर से बन गया, तो भाई फिर से वही चीज़ है कि कास सी माइनस कास डी का अगर फॉर्मूला बन गया तो इसको एक बार क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, एक बार क्या करते हैं भाई, पहले क्या होता है बताइए, आपको फॉर्मूला तो पता है, एक तो सी प्लस डी होता है थ्री बाई टू होता है, एक क्या होता है डी माइनस सी होता है कि नहीं। तो चलिए पहले सी प्लस डी का निकालते हैं, बाई टू की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें इसको ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस बी एक्स प्लस बी, और यहाँ पर देखिए क्या है, बी प्लस पाई बाई टू है, यहाँ पर a है, यहाँ पर बी एक्स है, यहाँ पर b प्लस पाई बाई टू, देखिए इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया, और अपान में टोटल के क्या कर रहा हूँ, टू कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, a a मिला के टू ए हो गया, बी एक्स कितनी जगह, दो जगह, तो ये हो गया क्या, टू बी एक्स हो गया, ये दो जगह है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे टू बी प्लस पाई अपान टू हो गया कि नहीं, लेकिन ये b बेचारा तो अकेले पड़ गया हैं, अब टोटल के अपान टू है, तो चलो सबके अपान अलग अलग कर देता हूँ, इसमें भी अलग से कर डिवाइड कर दे इसको भी, तो इससे तो एक एक कैंसिल हो गया, एक एक कि नहीं। तो अब तो ये किसकी वैल्यू है बताइए, बोलिए, ये आपका है टू भाई, चूंकि फार्मूला क्या लगेगा, टू साइन सी प्लस डी, तो सी प्लस डी किया तो कितना आ गया बताइए, ए प्लस बी एक्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर है बी बाई टू बचा है, और यहाँ पर बी प्लस पाई और बाई टू ये बचा है कि नहीं, ये किसकी वैल्यू बता है, ये हो गया है साइन टू साइन सी प्लस डी की है। अब किसकी वैल्यू निकालना है, ध्यान दीजिएगा, अब आगे, अब आपको इनटू साइन डी माइनस सी होता है बाई टू, तो डी माइनस सी बाई टू है, तो डी की जगह कितना है, पहले इसको देखो, डी की जगह पे तो इतना है भाई, ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू, ये डी है ना इसमें, और सी की जगह तो ये है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस ए माइनस बी एक्स, और इसका इसमें करोगे तो माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस क्या है, बी प्लस पाई अपान टू, तो इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस से ए कट गया, बी एक्स बी, ओ यहाँ पर तो माइनस बी बाई टू बचा, क्यों, क्योंकि इसके अपान में टू तो भी तो करोगे इसका, तो माइनस बी बाई टू आया, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस बी बाई टू लिख दोगे। तो बताओ यहाँ तक आपके माइंड में एकदम आ गया होगा बात, ठीक है, अब चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं,
ठीक है, देखते हैं कि इसके बाद इसमें अब क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर से वही बात आ गई कि यहाँ पर देखिए माइनस आ गया, इसमें आ गया, तो माइनस को क्या करेंगे, सबसे बाहर कर देंगे, और सबसे बाहर चला गया माइनस। और यहाँ पर देखिए टू लिखा है, यहाँ भी टू है तो टू का स्क्वायर मैं कर दिया, क्योंकि भाई टू लिखा है दो बार तो टू का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, साइन बी बाई टू, यहाँ भी साइन बी बाई टू है तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन बी बाई टू का भी स्क्वायर हमने लगा दिया कि नहीं। और अब अंदर देखिए यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर आपका बचा है साइन, ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या बचा है, ए प्लस बी एक्स प्लस बी बाई टू प्लस बी प्लस पाई बाई टू, ये बचा है कि नहीं, ये देखिए ध्यान दीजिए। लेकिन हमको जो प्रूव करना है वो किस में प्रूव करना है आप बताइए मुझे, मुझे तो यहाँ पर देखिए मुझे ये लाना है, दोबारा ये लाना है। तो एक बात तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि अगर इसको कॉस में लाना है लेकिन ये तो साइन में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा बताओ, पहले हमको जो है इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भाई देखिए टू का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा देखो, एक चीज़ है माइनस बाहर है तो माइनस बाहर रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको चाहे तो दोनों को क्या करते हैं एक साथ कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो मैंने इसको एक साथ कर लिया। लेकिन यहाँ पर देखिए साइन में है, इसको कॉस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमको करना क्या पड़ेगा, आप लोग खुद ही जानते हो भाई क्या करना पड़ेगा। भाई यहाँ पर देखिए अगर मैं इसके साथ इसको ऐड भी कर दूँ तो क्या आ जाएगा, सीधे कर दे रहा हूँ, ऐड ही कर देता हूँ, इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टू बी अपॉन टू, इसके साथ देखिए नीचे इक्वल है ही है, ठीक है, तो आपका तो नीचे 2 रहेगा, ये हो जाएगा 2b और यहाँ पर पाई है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए ये कॉस में कब कन्वर्ट हो सकता है, जब इसमें जो है पाई बाई टू ऐड करेंगे, और जैसे ही पाई बाई टू ऐड करेंगे ये यहाँ पर आगे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब ये चीज़ क्या बन सकता है, 2 साइन बी बाई टू तो यहाँ पर है ही है स्क्वायर में, और ये क्या हो गया कॉस है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा, ए प्लस बी एक्स, और नीचे नीचे भी सेम है, तो नीचे नीचे भी सेम है तो क्या होगा, अपान में तो 2 लिखा रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2b और 2 पाई, तो 2 कॉमन ले लो इसमें, तो क्या बचेगा, b प्लस पाई बच जाएगा कि नहीं, और जो है आपका ये इस फॉर्म में ये आपका हो गया। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर अच्छा देखिए, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू जो है इसकी है। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर क्या देखा, मैंने एक चीज़ यहाँ पर ये देखा कि जैसे यहाँ पर देखिए इस पर देखिए डेल पे 1 था, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डेल पे जैसे 1 था तो यहाँ पर इस पे भी देखिए 1 है, और यहाँ भी 1 आया, और डेल पे जैसे ही 2 आया तो देखिए यहाँ भी 2 आया और यहाँ भी 2 आया। भाषण में आ रहा ही नहीं आ रहा है, तो क्या होगा है, प्रोसीडिंग सिमिलरली, प्रोसीडिंग सिमिलरली, अगर देखिए जगह नहीं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, प्रोसीडिंग सिमिलरली, अगर इसी तरह हम क्या करेंगे इसको प्रोसीड करेंगे और आगे ले जाएंगे, तो 3 अगर करेंगे, जैसे 3 टाइम ले जाएंगे, बात समझिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, डेल की जगह डेल जो है यहाँ पर 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये पावर 3 चला जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, बाकी तो वही रह रहा है कि नहीं, 3 बार में भी यही होगा। तो अब यहाँ पर डॉट डॉट करके हम क्या दिखा सकते हैं कि अगर डेल एन हो जाएगा किसमें, कॉस ए प्लस बी एक्स में, तो ये वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ पर जैसे n होगा तो यहाँ पर n हो जाएगा और यहाँ पर भी n हो जाएगा, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 2 साइन b बाई टू की पावर क्या हो जाएगा आपका, n हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा cos, और यहाँ पर आपका आ जाएगा a प्लस बी एक्स, और प्लस यहाँ पर n हो जाएगा, और ब्रेकेट में b प्लस पाई और अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो देखिए दोनों चीज़ सेम है, चाहे आप इसको ये लिख लो और चाहे 1/2 यहाँ पर लगा लो, आगे इसके लगा लो, तो यही तो आपको लाना था, देखिए आपका सेम वही चीज़ आ गई, नहीं आ गया, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, प्रूव्ड लिख दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका लग गया। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए गए हैं वो सीधे आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।